जालोर जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनीसा सिलावट ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, पांच में भाजपा तो कांग्रेस की चार में जीत, एक पंचायत समिति में बराबर। जिला परिषद सदस्य चुनाव में भाजपा ने मारी बाजी, जिला परिषद सदस्य उषा देवी की जीत की मनाई खुशी। अखिल भारतीय भीम सेना जोधपुर प्रभारी के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। सड़क पर गड्ढों को लेकर ग्रामीण परेशान। अब समाचार विस्तार से, पांच में भाजपा तो कांग्रेस की चार पंचायत समिति में जीत, एक पंचायत समिति में बराबर। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति सदस्य चुनाव की हुई घोषणा के अनुसार जालोर की 10 पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्य चुनाव में भाजपा ने 5 पंचायत समिति में तो कांग्रेस ने 4 पंचायत समिति में अपना वर्चस्व बनाने में सफल रही। वहीं एक पंचायत समिति में दोनों पार्टियां बराबर रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालोर रिटर्निंग ऑफिसर चंपालाल जिंगन ने बताया कि जालोर पंचायत समिति में कुल 17 वार्डों में से 9 वार्ड में बीजेपी व 8 वार्डों में कांग्रेस के अभ्यर्थी विजय हुए। वहीं आहोर रिटर्निंग ऑफिसर मानसिंगा राम ने बताया कि आहोर पंचायत समिति में कुल 23 वार्डों में 15 वार्डों में कांग्रेस व 8 वार्डों में बीजेपी के अभ्यर्थी विजय हुए। इसी तरह भिनमाल रिटर्निंग ऑफिसर ओम प्रकाश ने बताया कि भिनमाल पंचायत समिति में कुल 21 वार्डों में से 13 वार्डों में बीजेपी व 5 वार्डों में कांग्रेस के अभ्यर्थी व 3 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजय हुए। सायला रिटर्निंग ऑफिसर सीमा तिवाड़ी के अनुसार सायला पंचायत समिति में कुल 25 वार्ड में से 14 वार्डों में बीजेपी व 9 वार्डों में कांग्रेस के अभ्यर्थी एवं 2 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजय हुए। वहीं रानीवाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि रानीवाड़ा पंचायत समिति में कुल 27 वार्डों में से 22 वार्डों में कांग्रेस व 5 वार्डों में बीजेपी के अभ्यर्थी विजय हुए। इसी प्रकार सांचौर रिटर्निंग ऑफिसर भूपेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सांचौर पंचायत समिति में कुल 25 वार्डों में से 15 वार्डों में बीजेपी व 9 वार्डों में कांग्रेस के अभ्यर्थी एवं 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजय हुआ। साथ ही जसवंतपुरा रिटर्निंग ऑफिसर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जसवंतपुरा पंचायत समिति में कुल 19 वार्डों में से 10 वार्डों में कांग्रेस एवं 9 वार्डों में बीजेपी के अभ्यर्थी विजय हुए। वहीं सरनाव रिटर्निंग ऑफिसर शंकरलाल मीणा के अनुसार सरनाव पंचायत समिति में कुल 15 वार्डों में से 7 वार्डों में बीजेपी व 7 वार्डों में कांग्रेस के अभ्यर्थी एवं 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजय हुआ। साथ ही चितलवाना रिटर्निंग ऑफिसर गिरधर ने बताया कि चितलवाना पंचायत समिति में कुल 17 वार्डों में से 8 वार्डों में बीजेपी व 9 वार्डों में कांग्रेस के अभ्यर्थी विजय हुए। इसी तरह बागोड़ा रिटर्निंग ऑफिसर मर्दुला शेखावत ने बताया कि बागोड़ा पंचायत समिति में कुल 23 वार्डों में से 14 वार्डों में बीजेपी व 8 वार्डों में INC के अभ्यर्थी एवं 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजय हुआ। जिला परिषद सदस्य चुनाव में भाजपा ने मारी बाजी। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत मंगलवार को वीर विलमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतों की गणना हुई। जिला परिषद सदस्य चुनाव की मतगणना में जिला परिषद के कुल 31 निर्वाचन क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी के 19 एवं कांग्रेस के 12 उम्मीदवार विजय हुए। जिला परिषद सदस्य आम चुनाव 2020 के रिटर्निंग ऑफिसर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिला परिषद सदस्य आम चुनाव 2020 के तहत कुल 31 निर्वाचन क्षेत्रों में से 19 निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तथा 12 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के अभ्यर्थी विजय हुए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल। ऑरेंट टैंक और पाइप आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ऑरेंट का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ऑरेंट ग्रुप विमल पॉलीमर्स जयपुर, कस्टमर केयर नंबर 9772336609।
व मोबाइल नंबर 8003532331। इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवी, एलईडी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, फैन, होम अप्लायंस, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे। फाइनेंस की सुविधा, एक बार अवश्य पधारे। अमन देवेंद्र मेहता, अरहम इलेक्ट्रॉनिक्स, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मानपुरा कॉलोनी, जालोर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9460767711। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला परिषद सदस्य उषा देवी की जीत की मनाई खुशी। परशुराम जेमोनी की रिपोर्ट के अनुसार जालोर जिले के जिला परिषद सदस्य चुनाव में वार्ड संख्या 27 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी उषा देवी पत्नी जोगराज राजपुरोहित की बहुमत से जीत होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ लगी। उत्साह जीत के पश्चात अपने गाँव आलासन आने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ स्वागत किया गया और चमत्कारी श्री हनुमान जी मंदिर जाकर हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस अवसर पर बीजेपी के सायला मंडल मंत्री परशुराम जेमोनी ने भी सभी को हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। अखिल भारतीय भीम सेना ने जोधपुर प्रभारी के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। धनराज सिंह राठौड़ की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय भीम सेना राजस्थान ने किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। इस अवसर पर जालोर की अखिल भारतीय भीम सेना जिला अध्यक्ष संजय वाल्मीकि, सुरोई अखिल भारतीय सेना जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र डांगी, उमेद ऋषि सियाणा, जगदीश वाल्मीकि, मीडिया प्रभारी स्वतंत्र पत्रकार धनराज राठौड़ ओटवाला, रेखाराम मेघवाल, अखिल भारतीय भीम सेना के साथ अन्य भीम सैनिक मौजूद थे। सड़क पर गड्ढों को लेकर ग्रामीण परेशान। धनराज राठौड़ की रिपोर्ट के अनुसार ओटवाला गांव में गलियों में पानी से भरे गड्ढे हैं, जिसमें ग्रामीण आवागमन से बहुत ही परेशान हैं। सड़कों पर गड्ढे होने से गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बहुत ही परेशान हैं। गांव में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। आमजन ग्रामीण पैदल व वाहन पर चलने में काफी परेशानी है। बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।